हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लीनास लाइफस्टाइल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली ये वाला ग्लैम क्रिसमस पार्टी मेकअप लुक है जो आप इजीली न्यू ईयर पे भी कैरी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्वीट पिंक कलर है जो मैंने बहुत ही सेटल रखा है अपना मेकअप। ज़्यादा इस बार ज़्यादा बोल्ड लिप्स नहीं रखी है, ना ही ज़्यादा बोल्ड आई मेकअप रखा है, बट बहुत ही ग्लैमरस लुक है, बहुत ही प्यारा है। एक ब्लू कलर के स्टोन से वर्क किया हुआ नेकलेस है, बहुत ही लाइट वेट, उसके साथ एयरिंग है। सिंपल स्ट्रेट बाल रखे हैं मैंने और बहुत ही प्यारा है, ग्लैमरस लुक है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। अगर आपको ये लुक पसंद आए, गाइस टीनेजर हैं या आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, डजेंट मैटर, लेकिन ये पार्टी लुक सब पर अच्छा लगेगा गाइस, बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करना ना भूलें गाइस। ये मेरी लिप्स पर एक एलर्जी हो गई थी जिसे ऑलमोस्ट मैंने ठीक कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है ADS की नेल पॉलिश, पिंक कलर शेड है। गुड वाइब्स का ये है ग्रीन टी टोनर। टोनर ज़रूर लगाया करें गाइस, बहुत ही अच्छा होता है। दो मिनट के लिए छोड़ देंगे हम, उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं विट सीट्रिस का पर्पल से बाय किया विटामिन सी सीरम। गाइस सीरम बहुत ज़रूरी है, स्किन के सारी प्रॉब्लम्स को हील करता है। इवन विटामिन सी के अच्छा, विटामिन सी सीरम से अच्छा कोई सीरम नहीं है। तो ज़रूर अप्लाई करें, आपकी स्किन टोन, आपका स्किन टेक्सचर है, आपके रिंकल्स है, पिगमेंटेशन से सबको हाइड करेगा। सो ये सीरम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी का, ये है थिक क्रीम मॉइस्चराइजर क्रीम। गाइस विंटर बहुत ज़्यादा है, इसे थोड़ी सी थिक और थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में क्रीम यूज़ करें आप। मोटी क्रीम हो, थिक हो, ताकि आपकी स्किन पर ज़्यादा देर हाइड्रेट रखे आपकी स्किन को, क्योंकि पार्टी मेकअप है, ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे आपको रखना है। तो अच्छे से स्किन पर अप्लाई करेंगे। ये लैक्मी की मॉइस्चराइजर क्रीम है, पीच मॉइस्चराइजर क्रीम। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बोरोलिन। गाइस मैंने बोरोलिन इसलिए लगाई थी क्योंकि मेरी स्किन पर एलर्जी हो गई थी मेरी लिप्स पर, जो ऑलमोस्ट बोरोलिन से ही गई है। सो अच्छे से मैं लगाती हूँ। इसके बाद मैं लूँगी थोड़ा सा कंसीलर। कंसीलर आईलिड पर आज मैं अप्लाई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। मैंने ऐसा सुना है कि आई मेकअप बहुत ही अच्छा होता है, आपके जो रिंकल्स होते हैं आपके आईलिड पर वो हाइड हो जाते हैं। सो उसके बाद मैं अपनी ब्रोज स्टार्ट कर रही हूँ मेकअप। अच्छे से क्लीन कर लेंगे हम जहाँ पर भी हमें फिल करना है वहाँ पर फिल करेंगे। ये है स्विस ब्यूटी की डार्क ब्राउन कलर आईब्रो पेंसिल, जो ऑलमोस्ट मैं सभी मेकअप लुक में यूज़ करती हूँ। आईब्रोज बहुत ज़रूरी है गाइस, एक परफेक्ट मेकअप के लिए परफेक्ट शेप। अच्छे से अप्लाई करेंगे हम, शेप करना है, उसके बाद हम इसे क्लीन कर लेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी का कंसीलर, शेड नंबर नेचुरल है ये। अच्छे से हम जो हमारी आईब्रोज की लाइन है उसे क्लीन करते हुए आईलिड पे लगाएंगे, ताकि आपके जितने भी डार्क सर्कल्स है उसे ये हाइड कर लें। सो मैं इसे अच्छे से एक ब्लेंडर से अच्छे से टैप टैप करके इसे ब्लेंड करूँगी। देखिए बहुत जल्दी गाइस ये ड्राई हो जाता है। उसके बाद मैं ले रही हूँ मेबेलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर, इसे अच्छे से मैं सेट करूँगी। सेटिंग इसलिए ज़रूरी है गाइस, अच्छे से सेट करने के बाद जब आप कलर अप्लाई करेंगे आईलिड पर तो वो बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाएंगी। ये है ब्यूटी पीपल का पैलेट, कलरफुल पैलेट जो मैंने इंस्टाग्राम पेज से मंगाया। गाइस ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा प्यारे कलर है। ये मुझे सिर्फ 450 का मिला, एक्चुअल में इसका प्राइस 900 है, बट ये मुझे सेल से मिला। सो अच्छे से इसमें से पिंक कलर लेके हम ट्रांसिशन कलर यूज़ करें, उसे आईलिड पर भी अप्लाई करेंगे। देखिए कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है गाइस, बहुत ज़रूरी है एक फ्लफी ब्रश से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद मैं ले रही हूँ ग्लिटर, डायरेक्टली मैंने ग्लिटर अप्लाई किया है। उसके बाद कोई भी कलर यूज़ नहीं किया, मैं फिंगर टिप्स के हेल्प से गोल्डन कलर का ग्लिटर अप्लाई किया है मैंने। आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं गाइस, लेकिन पार्टी मेकअप में ग्लिटर बहुत ही अच्छा लगता है। सो जो भी कॉर्नर से एरिया है जहाँ पर मेरी उंगली से नहीं लग पा रहा था, मैंने फ्लैट ब्रश के हेल्प से वहाँ पर ग्लिटर अप्लाई किया है, ताकि मेरे आईलिड फुली कवर हो जाए और बहुत ही प्यारी लगे, एकदम शाइन करेगी अंधेरे में भी। सो ज़रूरी है ये, अच्छे से फ्लैट ब्रश से यूज़ कर रही हूँ। मैं ले रही हूँ क्रेयॉन का स्केच आईलाइनर।
स्केच आईलाइनर से गाइस विंग लगा विंग बनाना बहुत ही इजी होता है। सो मैं एक विंग ड्रॉ कर रही हूँ, अच्छे से दोनों आईज पे अच्छे से विंग ड्रॉ करूँगी। ज़्यादा बोल्ड नहीं रखी है, बट मैं आईलाइनर थोड़ा सा थिक लगाना चाहती थी। कलर बहुत सेटल रखे हैं तो आईलाइनर लगाना ज़रूरी है गाइस। सो अच्छे से हम इसे लगाएंगे। लगाने के बाद देखिए जो इनर कॉर्नर है वहाँ तक मैंने जिस तरह से कैट आई होती है ना, उस तरह से मैंने इनर कॉर्नर तक आईलाइनर से ही अप्लाई किया है, काजल यूज़ नहीं किया है वहाँ पर। देखिए कितना प्यारा सा लुक लग रहा है, एकदम विंग आपके परफेक्ट बनेंगे। इस तरह से ज़रूर आईलाइनर यूज़ करें। उसके बाद मैं ले रही हूँ मस्कारा। मस्कारा है मेबलिन का अगेन हाइपर कर्ल मस्कारा, जो बहुत अच्छा है, वाटरप्रूफ है और बहुत अच्छे से आपके आईलैशेस को कर्ल कर देता है। सो ये भी मैंने अगेन पर्पल से बाय किया है गाइज, और ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मुझे मिला है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का काजल। ये गाइज बहुत ही अच्छा, बहुत बटरी है, लेकिन काजल मैंने पूरी बॉटर लाइन पर नहीं लगाया, सिर्फ कॉर्नर्स में डार्क किया है। और देखिए आई जो मेकअप है ना एकदम डिफरेंट लगता है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फॉल्सेस, ये पैक के फॉल्सेस हैं गाइज, लेकिन मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हुई थी। फिलहाल तो लगी बट काफ़ी सारी मेरी ख़राब हो चुकी है, मैंने नायका से बाई की थी। सो फॉल्सेस लगा ली हैं। फॉल्सेस लगाने के बाद मेकअप देखिए बिल्कुल डिफरेंट दिखता है। फिर अगेन मैं मेबेलिन के हाइपर कर्ल मस्कारा से दोनों लैशेस को मिक्स कर लूँगी और परफेक्टली इस बार मेरी लैशेस लगी हैं। सो गाइज देखिए इनर जो बॉटर लाइन है वहाँ पर लैशेस है, वहाँ पर भी अप्लाई करेंगे हम। मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मैं यूज़ कर रही हूँ आई एम सी डी एम का प्राइमर। प्राइमर ज़रूर लगाएं गाइज, आपका जो मेकअप है वो उसका जो बेस है ना बहुत ही स्मूथली लगता है। ऊपर से आपकी जो बेस है वो काफ़ी टाइम स्टे करेगा, कैकी नहीं होगा और ना ही आपका ड्राई होगा। सो ज़रूर अप्लाई करें, सारे के सारे पोर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। मैं फेसेस कनाडा का ये यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन, जो बहुत ही लिक्विड है। सो मैंने इस बार गाइस अपने ब्रश से लगाया है, मैंने ब्लेंडर से नहीं लगाया है। ब्रश से बहुत अच्छी तरह लगा, मैंने पहली बार ट्राई किया बट बहुत ही अच्छा लगा, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। देखिए इस तरह से लगाना है आपने, खूब अच्छे से ब्लेंड करना है। सो मैं गाइस ब्लेंडिंग के लिए काफ़ी टाइम देती हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। ये तरीका मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को देखा है, सो मैंने सोचा इस बार मैं भी ट्राई करती हूँ फाउंडेशन लगाने के बाद कंसीलर लगाना है। सो कंसीलर देखिए मैं किस तरह से लगा रही हूँ, इस तरह से आप लगा सकते हैं कंसीलर। ये मेबेलिन फिट मी का है और ये नेचुरल शेड है। सो क्यूपिड लाइन है मेरी और मेरी नोज़ है, अंडर आई एरिया है, वहाँ पर अच्छे से लगा के मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी, टैप टैप करके। देखिएगा इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। बहुत ज़रूरी है ब्लेंडिंग, चाहे वो आप आईलिट कर रहे हो या बेस मेकअप का कर रहे हो। उसके बाद मैं फिट मी कॉम्पैक्ट, जो मेरा मेबेलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट है, उसे अच्छे से मैं इसे सेट भी कर लूँगी। साथ ही साथ सेट करना भी बहुत ज़रूरी है गाइस। मेकअप के कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें आपने ऑर्डर वाइज फॉलो करना है, तभी आपका मेकअप परफेक्ट होता है। सो देखिए अच्छे से मैं सेट कर लूँगी पूरे बेस को, ये बहुत ही अच्छा है गाइस। मैंने काफ़ी सुना था, मैंने लिया तो बाकी में यूज़ किया तो अच्छा लगा मुझे। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे कुकी की कॉन्टोर स्टिक्स, मिनी कॉन्टोर स्टिक है। कॉन्टोरिंग मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत पसंद है गाइस। मेकअप आपका एकदम डिफरेंट हो जाता है, एकदम डिफरेंट लुक देता है। सो मेरी चिक बोन है और मेरी जॉ लाइन है और नोज़ है, फोरहेड है, इसे मैं कॉन्टोर करती हूँ। आपने ऑलमोस्ट मेरे ज़्यादातर वीडियो में देखा होगा, मेकअप वीडियोस में कॉन्टोरिंग का एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है गाइस मेकअप में। सो मैं अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी। देखिए मैं ब्रश से भी ब्लेंड कर लेती हूँ, मैं फिंगर टिप से भी कर लेती हूँ। इस तरह से नोज़ की कॉन्टोरिंग भी ज़रूरी है। देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ और बहुत ही प्यारी है गाइज। अगर आपके पास डार्क शेड का फाउंडेशन, आप उससे भी कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ एक फ्लैट ब्रश, मिनी ब्रश है, उसे मैं इनर कॉर्नर को पेंसिल ब्रश से इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी। ये मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाईलाइटर, बहुत ज़रूरी है गाइज। आपकी जो ब्रो बोन एरिया है उसको भी हाईलाइट करेंगे। कुछ एरियाज होते हैं जिन्हें हाईलाइट करने से मेकअप आपका बहुत ही खूबसूरत लगता है। साथ ही साथ मैं हाईलाइट करूँगी अपने ब्रो बोन एरिया के साथ साथ अपनी नोज़ को,
अपनी क्यूपिड लाइन को। सो देखिए इस तरह से जो ब्रिज ऑफ नोज है उसको करेंगे, और ज़्यादा नहीं, बहुत लाइट लगा रही हूँ, उसके बावजूद भी वो विजिबल हो रहा है। सो बहुत ही अच्छा है मेबेलिन का क्रोम मास्टर हाईलाइटर। उसके बाद मैं इसी पैलेट में से पिंक शेड लेकर, जो मेरे आईलिड पर अप्लाई किया है, उसे मैं ब्लश करूँगी। आज मैं ब्लशर की तरह भी इसको यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही ऑरेंजिस पिंक है, एक्चुअली पिंक नहीं है, ऑरेंजिस पिंक कलर है, जो विंटर में आपके पिंक चिक्स हो जाते हैं उनके लिए परफेक्ट है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ, ये है स्विस ब्यूटी की लिप लाइनर, डार्क पिंक शेड है। मैं उसे अपने लिप्स को शेप करूँगी अच्छे से, क्योंकि मेरे लिप्स पे गाइस थोड़ी सी एलर्जी होगी। उसके बाद देखिए मैंने इसके बाद यूज़ किया है स्विस ब्यूटी, सॉरी हुडा ब्यूटी का लिप ग्लॉस। बहुत ही लाइट पिंक कलर है, ब्राउनिश कह सकते हैं हम इसे, लाइट ब्राउनिश पिंक शेड है। अपने लिप ग्लॉस लगा लिया हमने, देखिए कितना प्यारा सा लुक है गाइस। ये है मेरा फाइनल लुक, मैंने स्ट्रेट बाल किया, आई होप आपको पसंद आएगा गाइस। दिस इज माई फाइनल लुक जो मैंने काफ़ी टाइम बाद अटेम्प्ट किया है, क्योंकि मेरे यहाँ पर लिप्स पे कुछ एलर्जी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। सो ये फाइनली आज क्रिसमस डे है, सबसे पहले मैं हैप्पी क्रिसमस कहना चाहूँगी फिर से एक बार सबको, क्योंकि आज क्रिसमस डे है। सो ये ग्लैम क्रिसमस मेकअप लुक है, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें।